हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ इंस्टेंटली रायता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, रायता बनाने के लिए मैं सबसे पहले चाहिए फ्रेश दही। तो मैंने यहाँ घर की जमी हुई फ्रेश दही ले ली है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जैसे कि खीरा, गाजर, चुकंदर, प्याज और मिर्ची, धनिया और थोड़े से पुदीना के पत्ते। आप टमाटर भी ले सकते हैं या अपनी मनपसंद सब्जियां ले सकते हैं। मुझे टमाटर थोड़ा कम पसंद है क्योंकि वो ज़्यादा खट्टा हो जाता है और दही भी खट्टी होती है, इसलिए मतलब मैं रायते में टमाटर कम प्रेफर करती हूँ। तो सबसे पहले आपको दही को ब्लेंड करना होता है, तो इसके लिए या तो आप ब्लेंडर यूज़ कर लीजिए या बहुत ही ईजी ट्रिक है, इंस्टेंटली हो जाता है, एक छलनी की हेल्प से इसको छान लीजिए तो कोई भी लम्स नहीं रह जाते हैं इसमें, बिल्कुल एक सार सा हो जाता है, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब मैं इसमें 2 चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ, 2 छोटे चम्मच। इसके बाद मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ, 1 छोटा चम्मच। आप जो मसालदानी का छोटा चम्मच आता है ना, उससे मेज़रमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिसको कि जीरे को आप भून करके और पीस लीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका रायते में। और अभी मैं थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटे चम्मच ही मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास पुदीने का पाउडर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे पुदीने के पत्ते यूज़ कर रही हूँ, फ्रेश पत्ते हैं, तो इनको मैंने क्रश कर लिया है हल्का सा। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, खास करके गर्मियों में रायता खाने का मिंट फ्लेवर अलग ही मज़ा देता है। अब इसमें मैं सारे वेजिटेबल्स को ऐड करूँगी। सारे वेजिटेबल्स को आपको चॉप करना है बहुत ही फाइनली, आप ये चॉपर में कर सकते हैं इंस्टेंटली या फिर आप ग्रेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। प्याज को बहुत ही महीन आपको चॉप करना है, बहुत ही पतला पतला, और चॉपर में करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। अब मैं सारी सब्जियों को अपने दही में मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद देखेंगे आप इंस्टेंटली क्या कलर इसका चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें मैंने बीट रूट ऐड किया है, यानी कि चुकंदर, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता ही है, साथ ही साथ रायते का भी जायका ये बढ़ा देता है, खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है और हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, तो मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आप ये देख सकते हैं। अब मैं लास्ट में जो है पुदीने इसमें ऐड करूँगी, और पुदीना ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आपके पास अगर कोई मिंट फ्लेवर एक्सट्रैक्ट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप फ्रेश पुदीना के पत्ते ही यूज़ करिए, क्योंकि ये आपके खुशबू को भी बढ़ा देती है रायते की, और रायते का फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहता है। तो मेरा रायता इंस्टेंटली रेडी है, क्योंकि मैंने फ्रिज से तुरंत ही निकाल करके दही रायते को बनाया था, तो मुझे इसको फ्रिज में रीस्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंटली फटाफट ये रेडी हो गया 5 से 7 मिनट में, और मैं इसको रेडी मतलब सर्व करने के लिए रेडी है ये बिल्कुल भी। तो इस तरीके से गर्मियों में मज़ा लीजिए बीट रूट रायते का। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। उम्मीद करती हूँ गाइस कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।